फ्रेंड्स, आपका एटीट्यूड होम क्रिश्चियन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको यह पूजा का आसन किस तरह से बनाया गया है उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ पे मैंने टू स्वास्तिक को लेके बनाया है। आप यदि इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी प्रोसेस में आप 3-4 तक बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी 2 से स्टार्ट किया है और यह जो है 12 यानी 12 फंदे के मल्टीपल पे बना हुआ है। 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा हैं बॉर्डर के लिए और यह इसकी किनारी है। तो आइए इसे कैसे बनाया गया उसके बारे में सीखें। ऐसे तो मैंने एक स्वास्तिक का डोरमेट अपने चैनल पे अपलोड करा है, वह सर्कल में है। इस बार मैं आपको यह स्क्वायर शेप में बताने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा यह ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर का, आप किसी भी 2 कलर के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। और इसमें हमें 12 नंबर की क्रोशिया ली है, हमने इसे 12 नंबर की क्रोशिया से बनाया है। एक बार मैं इसे, तो आइए इसे बनाना सीखें। यहाँ पे मैंने 26 फंदे बना लिए। अब मैं इस पे 1, 2, 3 फंदे अलग से बनाएंगे और चौथे चैन पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से इसे काउंट करेंगे। यह हमारा यहाँ 3 डबल क्रोशिया हो गया, 1 या और 2 या, इस तरह पूरी रो हम बना लेंगे। 1 रो यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। यह रो कंप्लीट हो गया है। अब यह लास्ट में ये देखेंगे, यह लास्ट का चैन पे यह 26 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट 1, 2, 3 और इसे पलटेंगे। पलटने के साथ यहाँ देखेंगे, यह एक हुक को छोड़कर नेक्स्ट हुक पे हम डबल क्रोशिया हाफ बनाएंगे। यहाँ देखेंगे और इस पे हम ऑरेंज वूल लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये डबल हाफ से इस तरह से हमें इससे स्लिप कराने हैं, यानी ऑरेंज से। और हमें इस धागे को अब ऐसे रखना है, यानी साथ साथ लेके चलना है। अब ऑरेंज से हमें बनाने हैं 2, 1 एंड 2। यहाँ देखेंगे ये धागा हमारा साथ साथ चल रहा है। यहाँ बनाएंगे और फिर इस धागे से यानी ग्रीन से हम इस तरह से स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फिर अगेन सेम प्रोसेस दोहराएंगे। मतलब ये धागे को हमें साथ रखना है अब इस तरह से, और फिर इस पे हमें 1 एंड नेक्स्ट पे 2, इसे भी हाफ रखना है। जब भी हमें सेकंड वाले में दोनों में से किसी को लगाना होगा तो उसके लगाने से पहले हमें हाफ पे इसे स्लिप कर लेना है। अब ये ग्रीन वाले फंदे को नीचे रखेंगे धागे को, और फिर इस पे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक पे। 1, 2, 3, 4 और साथ में ये ग्रीन चलेगा, 4, 5 एंड 6। यहाँ 6 बनाने के क्रम में इसे हाफ बनाएंगे और ग्रीन से फिर इसे स्लिप कर लेंगे। अब फिर ग्रीन को ले लेंगे और इस येलो वाले को नीचे की ओर करते हुए उसे इस तरह से रोप पे बैठा लेंगे और अगेन इसको 2 बनाने हैं ग्रीन से। ये हमने 2 बनाया, हाफ बनाया और फिर हम येलो से इस पे बनाएंगे। यहाँ एक स्वास्तिक का एक रो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सेम प्रोसेस दोहराने हैं। मतलब फिर अगेन हमें 2 ऑरेंज से बनाने हैं, एक फूल बनाएंगे और एक हाफ ग्रीन को साथ में लेते हुए फूल बनाया और एक हाफ के साथ में अब ग्रीन लेंगे। इस पे मैं 2 स्वास्तिक बता रही हूँ। आप चाहे तो इसे लंबा, जितना लंबा बनाना चाहें, यानी 4
स्वास्तिक एक साथ बना करके आप लेना चाहे 4-5 जो भी हो उस पर आप बना सकते हैं। यहाँ इस पर दो हाफने हैं, दो अब दो ऑरेंज बनेंगे तो ऑरेंज वाले से हमें स्लिप करने हैं और दो बनाने हैं, यानी टू टाइम अलग अलग चैन पे बनाएंगे। अब इस पर हमको 2 नहीं 6 बनेगा, ये 2 बनाया, 3, 4, 5 and 6 बनाया। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें अगेन ग्रीन लेने हैं और इस धागे को छोड़ देने हैं, यानी ऑरेंज वाले धागे को अब इस पर हमें नहीं लपेटेंगे और इसे इस तरह से रखते हुए हमें ये दे स्लिप किया, इस धागे को ऐसे ऊपर की ओर रख लेंगे। ऊपर की ओर रखते हुए हम ग्रीन से इधर बनाएंगे, ये देखिए ये ऊपर की ओर है। अब इस पर नीचे की ओर हमने नहीं रखा है, ये लास्ट रो है इसलिए। अब यहाँ जो 3 चैन बनाया था उसके एक हुक पे, थोड़ा सा यहाँ टाइट है, उसके हुक से निकालेंगे और हमें डबल क्रॉश बना लेना है। नेक्स्ट थर्ड राउंड पे 1, 2, 3 बनाएंगे और फिर यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट इस पर हमें 2 बनाने हैं, यानी 2 ग्रीन बनाएंगे और हाफ रखेंगे इसे और इस धागे को हमें इस पर ऐसे लेना है, इस तरह से लेंगे और इस पर हमें 2 बनाने हैं। तो 2 बनाने के लिए इस धागे को इसके साथ लेते हुए हमें ग्रीन को भी साथ में रखते हुए हमें इस पर ऐड करना है ताकि ये अंदर की ओर हो जाए। 2 टाइम अलग अलग ग्रुप पे बनाने हैं, ये बनाया 2, अगेन इसमें ग्रीन अब बनेगा इसलिए ये हाफ रखने थे हमें, ग्रीन से बनाया यहाँ, थोड़े धागे को साथ लेके चलना है तो थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे और इसे बनाएंगे, ग्रीन से बनाने हैं, एक फूल बनाना है, नेक्स्ट एक हाफ बनेगा आपको, अगेन इसको स्लिप कर लेंगे इससे। अब ऑरेंज से बनाएंगे नेक्स्ट पे, 2 ऑरेंज से बनाएंगे और इसे हाफ, ऑरेंज का ये हाफ आएगा। अब ग्रीन उल लगाएंगे इस पर और ग्रीन उल के साथ अब इस पर हमें 6 जो है ना ग्रीन बनाने हैं, ये 2 ग्रीन जो है उसे बनाएंगे और साथ में आगे के भी, सिक्स बनाने हैं, यानी कि यह 2 जो है ग्रीन का वो बनाया और ऑरेंज का भी जो 2 है उसे भी हमें कंप्लीट करने हैं, ये 3, 4, 4 and 5 हमें साथ साथ लेने हैं, ऑरेंज को भी 5, नेक्स्ट 6 में यहाँ हाफ लेंगे, अब ऑरेंज उल से स्लिप करेंगे और नेक्स्ट जो है सेम प्रोसेस बनाएंगे, ये 2, 2, 2, 2, 6 इस तरह से सेम इस पर बना लेंगे। अभी इसका तीसरा रो यानी थर्ड रो पे यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 चैन लिया,
और नेक्स्ट हुक पे हाफ बनाएं, ये काउंट हो गया टू। अब हमें इस पे सिक्स बनाने हैं, सिक्स ग्रीन से बनाएंगे। यहाँ देखेंगे थ्री, और येलो को साथ लेते चलेंगे, ऑरेंज को, फोर फाइव सिक्स, सिक्स को हाफ बनाने हैं और फिर ऑरेंज से स्लिप करना है। स्लिप किया, अब ऑरेंज को नीचे करेंगे। अब इस पर टू टाइम, अलग अलग हुक पे टू टाइम बनाया, इसे हाफ बनाएंगे और फिर ग्रीन से स्लिप करेंगे। अब फिर हमें ग्रीन से बनाने हैं, ग्रीन से अगेन वन, और फिर हाफ बनाएंगे इस पर, हाफ बनाया और अगेन इससे जो है ऑरेंज से स्लिप किया, टू टाइम ये बन गया। अब इस पे ऑरेंज पे टू टाइम बनाएंगे, ग्रीन को साथ में रखेंगे, वन टू, इसे भी हाफ बनाने हैं और हाफ इससे स्लिप करना है। स्लिप हुआ, नेक्स्ट पे ग्रीन का बनाएंगे टू, और फिर सिक्स बनाएंगे यहाँ सेम इस तरह से, इस तरह से देखेंगे सिक्स टू 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 अगेन सिक्स, और फिर यह टू 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 बना लेंगे इस तरह से देखेंगे सिक्स टू 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 सिक्स टू टू टू। यहाँ देखेंगे ये कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में यहाँ पे दो हमें ग्रीन से बनाने हैं, तो ये फंदे को अब हम लेंगे नहीं इस पे, इसे पहले एक ये फंदे को यानी कि ऑरेंज वाले फंदे को ना ऐसे चढ़ा देने हैं इस पे, और फिर हम ग्रीन से लेंगे, और फिर हम इस पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, साथ में यहाँ थ्री चैन है ना उसके ऊपर वाले चैन पे हमें डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अगेन वन टू थ्री चैन लेंगे और फिर पलटेंगे और यह चौथी रो कंप्लीट करेंगे। इस पे दो ग्रीन बनाएंगे, इसे अभी ऐसे रखेंगे, एक ही काउंट हो गया है। अब इस पे हाफ बनाने हैं और इस धागे को इस तरह से लेके इससे स्लिप कर लेना है। अब इस पे ऑरेंज से बनाने हैं, ऑरेंज से बनाने के लिए इस तरह से लेंगे और ग्रीन को साथ में लेते हुए हमें ऑरेंज से दो बनाने हैं, जो एक हाफ बनेंगे और एक ग्रीन से बनेंगे। दोगुना अब इस पे ये दो बनाने के बाद हमें यहाँ पे टोटल, सॉरी ये हमारा येलो से ही जाएगा, यानी सॉरी ऑरेंज से जाएगा, ऑरेंज से हमें इस पे अब यहाँ पे हमें टू टाइम बनाया, थ्री फोर टेन, टेन टाइम हमें प्रत्येक हुक पे बनाने हैं, फोर फाइव सिक्स, सिक्स के बाद सेवन, एट नाइन नाइन और टेन, टेन हम हाफ बनाएंगे और हाफ को ग्रीन से इस तरह से अगेन इस पर टू टाइम में हाफ टाइम बनाएंगे ये, और इस पर हम अगेन स्लिप करेंगे इसी तरह से। अब हमें इस पर बना लेना है टू टेन टू अगेन टेन टू बना लेना। यहाँ तक हमने बना लिया, यानी कि
ये रो कंप्लीट हो गया, यानी 2 10 2 10। अब ग्रीन से बनाने हैं। ग्रीन से बनाने के लिए जैसा कि हम इस फंदे को आगे की तरफ रखेंगे और इसे इस तरह से बाहर कर देंगे और इस पर हमें डबल क्रॉस या यहाँ पे हमें हाफ बनाने हैं। पहले ये हाफ ग्रीन से बनाया और फिर इस फंदे को उस तरफ रखा, यानी इसे हमें इस तरह से निकाल लेना है। और फिर इस पर हमें इसे लेने नहीं है, इस पर हमें 2 टाइम अलग अलग हुक पे हमें इस पहले की तरह बना लेना है। अगेन 1 2 3 चैन लेंगे और फिर पलटेंगे। ग्रीन वाले पे ग्रीन बनाएंगे, इस पर हाफ बनेगा। यहाँ पे मैंने हाफ बनाया और अगेन 2 हमें ऑरेंज बनाने हैं, तो 2 बनाने के लिए उसी तरह लेंगे। इस तरह से लेते हुए ग्रीन को भी साथ में लेते हुए 1 एंड 2 इसे हाफ बनाएंगे। फिर इस पर हम 2 ग्रीन का बनाएंगे, 1 फूल और 1 हाफ। हाफ बनाया अब बनाया अगेन इस पर 1 फूल बनाएंगे ग्रीन से, सॉरी ऑरेंज से, और हाफ बनाएंगे ऑरेंज से और ग्रीन से, फिर कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे ग्रीन से हमें आगे बनाने हैं। ग्रीन से 6 हम बनाएंगे, ये 4 जो ऑरेंज के हैं उसे तो बनाने ही हैं। 1 1 2 3 4 और ये 2 जो और ग्रीन के हैं इसे ही बनाने हैं। 5 और ये हमें हाफ बनाने हैं और फिर ऑरेंज से बनाने हैं। इस तरह से फिर इसी तरह इधर भी हमें कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखेंगे इस रो पे हमने 2 2 2 2 6 अगेन इस पे ऑरेंज के 2, फिर 2 ऑरेंज, 2 ग्रीन, 2 ऑरेंज, नेक्स्ट 6। ये रो कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 6 रो कंप्लीट हुआ। 7th रो, 7th रो में 1 2 3 चैन लेंगे, सेम प्रोसेस। फिर इस पे हम इस तरह से हाफ बनाएंगे और यहाँ पे है ना, अब हमें इस रो पे 6 यहाँ से, एक मिनट इसे हम उठा लेते हैं पहले। इससे हम स्लिप कर लेंगे ऑरेंज से, ऑरेंज से स्लिप करने के बाद हमें 6 ऑरेंज बनाने हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, इस तरह से उठाएंगे और लेते हुए इस पे 6 बनाएंगे। 1 2 2 बनाया, 3 4 और 2 ऑरेंज के जो हैं आगे में उसे भी बनाने हैं। 6 5 एंड 6 इसे हाफ बनाएंगे और ऑरेंज से, सॉरी ग्रीन से हमें स्लिप करेंगे और इस पे 2 टाइम 1 फुल एंड 1 हाफ, फिर अगेन ऑरेंज से और फिर ये 2 ऑरेंज का जो है उसके ऊपर ऑरेंज बनाएंगे, 1 फुल एंड 1 हाफ और ग्रीन से अगेन इस पे 2 बनाएंगे, 1 फुल एंड 1 हाफ और फिर सेम प्रोसेस दोहराएंगे, यानी कि ये 2 फिर 6 2 2 कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह से देखेंगे यह 6 रो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखेंगे 2 ग्रीन 6
ऑरेंज टू ग्रीन, टू ऑरेंज टू ग्रीन, सिक्स ऑरेंज टू ग्रीन और टू ऑरेंज और टू ग्रीन हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट रो हम टोटल फंदे को ग्रीन से बनाएंगे, टोटल फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे। वन है, नेक्स्ट ये टू, ग्रीन से बनाने हैं तो इस धागे को साथ में ऑरेंज को लेते चले जाएंगे इस तरह से, और सारे को ग्रीन से कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ देखेंगे इस पूरे रो ग्रीन से बना लिए गए हैं और यह हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर मैं दोबारा बताना चाहूँगी कि इसके ऊपर कैसे बनाने हैं। इसे बनाने के लिए फिर इसे पलटेंगे और पलटने के साथ में ये देखेंगे जैसा इस पर बनाया गया था सेम प्रोसेस दूरा लेने हैं, जैसे कि टू जो ये ग्राफ है सेम प्रोसेस दोहराने हैं और बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूँ ये हाफ बनेंगे, ये हाफ बनाया, अगेन इस पर दो दो हमें ऑरेंज से बनाने हैं तो पहले की तरह जैसे हमने बनाया था सेम प्रोसेस दोहरा के इसे कंप्लीट करना है। दो बनाया, अब नेक्स्ट क्या है, टू ग्रीन है, इसे हाफ बनाएंगे, ग्रीन से बनाएंगे, ग्रीन से भी हमें वन फुल वन हाफ बनाने हैं, वन हाफ बनाया, अगेन ये देखेंगे वन टू थ्री फोर सिक्स, सिक्स हमें ऑरेंज से बनाने हैं, वन टू थ्री थ्री फोर एक रो कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर अगेन दूसरा रो कंप्लीट करेंगे ग्रीन से ही और इसे साथ लेते जाएंगे। इस तरह से टू रो कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखेंगे यह टू रो कंप्लीट हो गया है, यह रो कंप्लीट हो गया है। अब इस पर तीसरे रो पे वन टू थ्री और इसे पलटेंगे और सेम प्रोसेस यहाँ देखेंगे, यहाँ जिस तरह से बना है उस तरह से हमें बनाने हैं। टू हमें ग्रीन से बनाने हैं, ये देखिए इसे हाफ बनाएंगे और इससे फुल करेंगे, ये हुआ। अगेन अब हमें यहाँ पे इस धागे को जैसा कि मैंने पहले भी बताया है इस तरह से लेते हुए हमें इससे क्रोशिया को इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब बनाने हैं यहाँ पे कितने हैं, सिक्स, तो सिक्स बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव फुल बनेगा और यह एक हाफ बनेगा, सिक्स सिक्स हाफ बना। अब अगेन नीचे से देखते जाएंगे फर्स्ट रो में कितने हैं और फिर से टू और टू, यानी टू ग्रीन वन फुल एंड वन हाफ ग्रीन, अगेन जो है ऑरेंज से वन एंड हाफ बनाया, नेक्स्ट देखेंगे टू ग्रीन वन फूल एंड वन हाफ कंप्लीट करेंगे और इस तरह से आगे का प्रोसेस बनाएंगे। और इसके ऊपर हम सेम प्रोसेस दोहराते हुए इसकी जितनी लंबाई करनी है उतनी लंबाई से कर लेंगे और करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। इसे देखेंगे कि यह जो है ग्रीन से पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। अब यहाँ पे हमने ग्रीन धागे को कट कर लिया है,
अब मैं इसके किनारी किनारी कैसे बनाना है उसके बारे में बताऊंगी। मैंने यहाँ दो रो बनाया है, आप चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं अपने। तो आइए इसका कॉर्नर कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ पे हमने साथ में लेके आया है इस धागे को, जैसा कि इधर के प्रोसेस में मैंने बताया था। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस कॉर्नर से हम ऑरेंज कलर के ऊल को लगाएंगे और यह जो स्टिच है के नीचे हॉल है, इस हॉल पे हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया एंड 4 टाइम इस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट को छोड़ते हुए इस पे एक लीव करेंगे और नेक्स्ट पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। अगेन यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेकर 2, 3, 2 काउंट किया इस पे, 4 नेक्स्ट को स्किप करेंगे और इस तरह से पूरे रो किनारे तरफ हम बना लेंगे। यहाँ देखेंगे ये रो कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये कॉर्नर पे हमें इसे स्टिच करने हैं, यहाँ स्किप नहीं करने हैं क्योंकि ये हमारा कॉर्नर का पोर्शन है, ये हमने स्टिच किया। स्टिच करने के साथ अब इस पे 1 चैन और सेम हॉल पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 टाइम हो गया एक लेते हुए। अब इसे हमें यहाँ देखेंगे, इधर 1 हुक को छोड़कर नेक्स्ट हुक पे इस तरह से फिर 1 चैन और पूरे कंप्लीट कर लेंगे चारों तरफ। इस तरह से इसे कंप्लीट कर लिया गया। अब यहाँ एंड पे देखेंगे, यहाँ के जो फर्स्ट वाले स्टिच हैं यानी कि ये वाला, इस पे हम इस तरफ से स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। यह हमारा आसन बिल्कुल तैयार है। इस तरह से इसको फिनिशिंग टच दे देंगे। इस तरह से देखेंगे, यह देखिए दोनों तरफ से, हालांकि स्वास्तिक तो हमारा सीधा ऐसे होगा लेकिन इसे बनाने में कहीं भी डबल धागे नहीं दिखेंगे, दोनों तरफ से यूज़ तो नहीं कर पाएंगे, यूज़ एक ही तरफ से होगा। इस तरह से यह आसन जो है बिल्कुल तैयार है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।